उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण जैसे मूर्खों के लिए सत्य में ये वन दुर्गम और भयावह है। हे संकट के वन, यदि तुम स्वयं में किसी संकट को छिपाकर बैठे हो तो उसे सामने लाओ, अन्यथा महान विद्वान आचार्य चाणक्य को बुरा लग जाएगा। उनकी भविष्यवाणी अनुचित सिद्ध हुई। अरे अरे रे 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 रे। कितना भयावह जीव है। तो ये है उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण का नरभक्षी जीव। यदि तुम जैसे यहाँ और भी हो ना, उन सबसे जाकर कहना कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और यदि तुमको वो खुली शिखा वाला कुटिल ब्राह्मण मिले ना, तो उससे अपनी जान बचाकर भाग लेना। वो इस दुनिया का सबसे घातक प्राणी है। जा। चंद्र, तुझे पिपली वन और अपनी माँ की सत्य के विषय में जानना है, और उसके लिए तुझे जीवित रहना आवश्यक है। शांत है। तुम दोनों मगध के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो, इसीलिए कठिन कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है। सम्राट की इच्छा है कि पीपली वन संसार से अज्ञात रहे, परंतु वो दास उस मार्ग पे चल पड़ा है। मैं आ रहा हूं पीपली वन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। पीपली वन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को, उनके शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। 12 वर्षों से वो स्थान दुर्गम है। ये स्थिति तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक पीपली वन का समूल नाश नहीं हो जाता। वो दास जीवित रहे या मृत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर यह कार्य शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जाओ। ध्वनि, वो भी इस मार्ग पर। मगध सैनिक, अर्थात सम्राट को ज्ञात हो गया है कि मैं इसी ओर अग्रसर हूं। मुझे शीघ्र ही इस मार्ग को छोड़ना होगा।
एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना, वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। तो ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना कुलिशिका वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो चलकर ये शुभ समाचार अमात्य को देते हैं कि ये दास अब कभी पिपली वन नहीं पहुंच पाएगा। चलो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो मित्र।